हेलो, पहचाना नहीं? आपका चेहरा बहुत फैमिलियर है। सिटी वाले जी के घर पे मिले थे ना 3 साल पहले बर्थडे पे। अच्छा, रोशनी के साथ। सर थोड़ा दूर रहिए, चलिए लगाइए आईडी। राजेश जी आगे करिए, आगे करिए, आप कीजिए आगे, आईडी कीजिए आगे और आगे करिए। जन्नत, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि लॉकडाउन में आपने क्या किया सबसे ज्यादा, जो आप मिस कर रहे थे काफी टाइम से, और इसके अलावा डॉन सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको सबसे खास बात क्या नजर आती है जो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं है? थोड़ा तेज बोल रहा है मैडम जी। तो जो मैंने लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मिस किया वो यही सब है। इतने टाइम में मीडिया को इंटरेक्ट नहीं कर पाई, आप लोगों से मिल नहीं पाई, फेस नहीं कर पाई। दिल्ली मेरा इतना ऑफन आना जाना होता था, बट वो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट वर्क ट्रिप था आफ्टर लॉकडाउन वो भी दिल्ली में था, सो आई लव दिल्ली। और आई थिंक डॉन सिनेमा इज़ वेरी यूनिक, इसमें इतनी सारी चीज़ें जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी, एंड उसका रीज़न है कि अभी ये इंडिया में टॉप रेट कर रहा है, एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम, उसमें इनका इतना बड़ा हाथ है। लोगों को क्या होता है, वो अपनी टीम रखते हैं, अपने इतने असिस्टेंट रखते हैं, सब काम वो लोग करते हैं, बट ये अपने मैंने देखा है खुद अपने सारे काम, छोटे से छोटे काम पे खुद ध्यान देते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने किसी चीज़ को ऊपर पहुंचाना है और उसको सक्सेसफुल करना है कम से कम टाइम में, उन्हें अच्छी तरह से पता है, और ये पूरी पूरी उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड ऑल माई बेस्ट विशेज। एंड आपने कौन सी मूवी देखी डॉन ऐप में अभी? आपने कोई मूवी कोई देखी है तो कौन सी मूवी डॉन ऐप? नहीं, मैंने अभी फिलहाल कोई मूवी नहीं देखी है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, इन्होंने जो मूवी रिलीज करी है मैं वही मूवी देखना चाहूंगी सबसे पहले। और अब क्या बोल रहे थे, आपकी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो परसों 15th को मेरा गाना आ रहा है, कैरम की रानी आ रहा है, और देखिएगा मुझे बताइएगा आप लोग कैसा लगा। जन्नत, छोटी उम्र में एक हिट सीरियल देना, फिर धीरे धीरे, और लास्ट ईयर तो कोरोना में हमने भी आपको देखा कि काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, चाहे घर में भाई के साथ मैगी बनाना हो, मालदीव का टूर हो, कहीं ना कहीं। तो आप सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से डॉन सिनेमा आया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और अपने करियर को किस तरह से देखते हैं शॉर्ट मूवीज़ के अंदर? शॉर्ट मूवीज़ के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर? वेब सीरीज़ के अंदर मैं बहुत पिकी हूँ, जब वेब सीरीज़ देखने की बात आती है तो मैं बहुत कम देखती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो वैसे 4-5 रिजेक्ट करने के बाद मैं किसी को बिंज वॉच कर पाती हूँ। एंड डॉन सिनेमा से पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और एंड आई रियली होप एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इनकी इतनी सारी प्लानिंग्स हैं, वो धीरे धीरे रिवील करेंगे। ही इज़ ऑल प्लानिंग्स ऑल रेडी ऑल सेट, बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे होती थी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी आई पर्सनली थिंक अभी तक कि मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है वेब सीरीज़ करने का, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है फिलहाल। हम इनके पीछे पड़े हैं बॉलीवुड के लिए, 70 mm पर्दे के लिए कई टाइम से हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन शी इज़ वेरी चूजी, शी नोज़ के क्या चुनना है, क्या रिजेक्ट करना है और किस तरीके से मूव करना है, क्योंकि करियर इस उम्र में ऊपर वाले ने जो इतना लंबा मकाम दिया है वो ऐसे ही नहीं बनता है सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ बनाने से या चंद अच्छी फिल्में फ़ोटोज़ खींचने से नहीं बनता है। एक कशिश होती है, एक अपनी मेहनत होती है, एक उसके पीछे की एक प्लानिंग्स होती है, और शी इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर उनको रिजेक्ट करना है तो बड़े प्यार से मुस्कुरा कर बोल देंगे, महमूद जी इसमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो करके मिले हम तो हम समझ जाते हैं कि अभी ये बात नहीं बनने वाली, आगे बढ़े। आप कब देखते हैं फिल्म, फिर पहला वर्ड जन्नत को कब तक मिल जाएगा? मैं यकीन से कहता हूँ कि क्योंकि शी इज़ 1 ईयर बिहाइंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वरना अभी तक आप ये चीज़ देख लेते थे, इनके हाथ में ट्रॉफी होती, लेकिन शी इज़ बिहाइंड हर शेड्यूल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरीवन, और बहुत जल्द 2020 में। डॉन सिनेमा को लेकर जन्नत जी क्या लोगों का संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नाउ आई थिंक सिंस 19 और सिंस 2020 हमने देखा है कि OTT बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, एंड नाउ आई रियली थिंक कि अगर मुझे भी ऑप्शन होगा ना थिएटर में जाके मूवी देखने का या OTT प्लेटफॉर्म पे, सो आई विल प्रेफर वॉचिंग ऑन OTT, सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है OTT।
एंड नाउ सिंस डॉन सिनेमा इज वर्किंग सो हार्ड और इतने कम टाइम में टू एक्चुअली रीच दैट रेटिंग उस टॉप उसमें आना, जब इतने सारे इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी ऑडियंस भी फिक्स्ड है, मेरे पास खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मैं फिक्स हूँ, मतलब मैं उनको देखती हूँ, इतनी टफ कॉम्पिटिशन होने के बाद भी इतनी जल्दी यहाँ पर आना काबिले तारीफ है. एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि यू गाइस हैव टू स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा है बॉक्स में. जन्नत, किस बॉलीवुड एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहती हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ आप इस बारे में बताना चाहें कि कोई बॉलीवुड एक्टर जिसको आपको लगता है कि इसके साथ तो मुझे काम करना ही है डेफिनेटली. ओह वैसे देन आई से सलमान खान इज माय फेवरेट. या सो सलमान, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड स्टारों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो कई स्टार्स ने मुझसे पर्सनली कहा था कि अगर इफ जन्नत इज ओके तो वी लव टू वर्क विद हर. तो लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जन्नत चूजी है और जन्नत ऐसे ही, हाँ अगर सब, मुझे यकीन है कि सलमान भाई के साथ में भी अगर उनको फिल्म मिले और उनको लगे कि यार ये रोल मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मुझे यकीन है कि आप नहीं करोगे. यस, थैंक यू. थैंक यू.